मेरे हज़ार ना न करने के बाद भी मैं अपना कैरियर बनाना चाहती थी मेरी शादी फिक्स हो गई मैंने सोचा कि दिवाली आ रहा है मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट से ऐसा क्या बनाऊं कि वो दिवाली में सेल आउट हो जाए वहाँ पे जो और भी वेंडर्स लोग थे उनका कहना था कि आपका प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन आपने अच्छे से मार्केटिंग नहीं की बिहार सरकार द्वारा जो महिला उद्यमी योजना होती है मैंने उसमें अप्लाई किया लेकिन किसी कारणवश उसमें मेरा नहीं हो पाया जो सपोर्ट मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा मुझे वो नहीं मिल पाया मुझे नमस्ते मैं रितिका क्राफ्ट एज फाउंडर पटना बिहार से हूँ स्कूल में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में पार्ट लिया करती थी और अव्वल आया करती थी इसी क्रम में मैंने सोचा कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और इस फील्ड में मैं अपना कैरियर बनाना चाहती थी लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण मुझे इसमें परमिशन नहीं मिली तो मैंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का आइडिया छोड़ के मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया पटना कॉलेज से मैंने मैनेजमेंट किया जब मैं मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रही थी मैनेजमेंट के थर्ड ईयर में चर्चा होते सुना कि मेरी शादी फिक्स हो रही है मेरे हजार ना नुकर करने के बाद ही मैं अपना कैरियर बनाना चाहती थी फैमिली में कोई माने नहीं क्योंकि तीन बहनों में सबसे बड़ी मैं थी मेरे बाद भी बाकी बहनें थीं उनकी भी शादी करनी थी इसलिए मेरी शादी फिक्स हो गई एक कोचिंग संचालक के साथ में शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ काफ़ी सपोर्टिव हैं उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और आर्ट एंड क्राफ्ट की रुचि को जारी रखते हुए उन्होंने मैं बनाती रही और उन्होंने मेरा सारा आर्ट एंड क्राफ्ट सराहा दो में मैं एक मेरा एक बेटा हुआ बेटे होने के बाद मैं अपना सारा समय अपने बेटे और गृहस्थ जीवन में पूरा समय देने लगी बेटा जब चार साल का हुआ मैं फिर सोचने लगी कि मैंने मैनेजमेंट पढ़ाई की और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मैंने किया है कर रही थी हॉबी के तौर पे तो मैंने सोचा कि इस खाली समय में बैठने से अच्छा है मैं कुछ ना कुछ करूं तो मैंने अपने हस्बैंड के ही कोचिंग में मैनेजमेंट का काम देखना शुरू किया और साथ ही एक गर्ल्स हॉस्टल स्टार्ट किया दो से तीन साल ये अच्छा चला लेकिन कोविड का समय फिर आ गया कोविड के समय में ऐसी परिस्थितियां आई कि उस टाइम में जब सारा लॉकडाउन लग गया तो सारा कोचिंग और हॉस्टल बंद होने के कगार पे था मीन्स एक तरह से आप समझिए पूरा बर्बाद हो चुका था मेरे हस्बैंड चूंकि वो रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाते हैं तो उन्होंने अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखा किसी तरह हमारा घर चल रहा था लेकिन उसके बाद फिर मैंने बैठे बैठे कोविड के टाइम भी घर में बैठे बैठे मैंने सोचा कि घर में बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं जो मैं घर से कर पाऊं तो मैंने अपने घर से ही आर्ट एंड क्राफ्ट को हॉबी के तौर पे जो मैंने किया था तो सोचा कि अब इसी को हम अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट करें तो मैंने इसके लिए सोचा कि क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा जो आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो जाए मेरा मैनेजमेंट का पढ़ाई है वो भी हो जाए वो भी उपयोग हो जाए तो दिवाली के कुछ टाइम पहले अप्रॉक्स दो महीना पहले ये बात 2020 की है उस टाइम मैंने सोचा कि दिवाली आ रहा है मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट से ऐसा क्या बनाऊं कि वो दिवाली में सेल आउट हो जाए तो मैंने कैंडल का सोचा कैंडल में भी मैंने इस इस लाइन में भी कैंडल्स में भी बहुत लोग हैं जो कैंडल बनाते हैं मैंने सोचा कि इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हों और मेरे प्रोडक्ट्स को है तो मैंने कैंडल में एक एक्सपेरिमेंट किया उसको मैंने नॉर्मल ट्रेडिशनल जो पिलर कैंडल्स चलते थे उनको छोड़कर मैंने कुल्हर जो मिट्टी के कुल्हर होते हैं उनको उसमें मैंने बनाना शुरू किया इसी क्रम में मेरे भाई और बहन आए और मैं सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि मैं आप आ, हम लोग आपकी मदद करेंगे आप चलिए धनतेज के एक दिन पहले तीन बजे मैं प्रोडक्ट्स लेके पीडब्ल्यूसी के पी गेट के पास पहुंच गई वहां पे अपना टेबल लगाया और अपने जो भी प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स थे मैंने उन्हें लगाया लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर आप कुछ कीजिएगा मन से कीजिएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा मुझे आज भी उस पर विश्वास नहीं होता है लग लगभग तीन बजे मैंने स्टॉल लगाया अपना प्रोडक्ट शोकेस किया साढ़े पाँच से छः बजे तक में मेरा सारा प्रोडक्ट्स सेल आउट हो गया धनतेरस के एक दिन पहले जिस दिन धनतेरस के दिन और छोटी दिवाली के दिन लोग मेन मार्केटिंग करते हैं ज़्यादातर लोग उसी दिन भीड़ में आते हैं लेकिन मेरा उसके एक दिन पहले ही वो भी तीन घंटे के अंदर में ही प्रोडक्ट्स सेल हो गया वहाँ पे जो और भी वेंडर्स लोग थे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लगाए थे उनका कहना था कि आपका प्रोडक्ट्स तो काफ़ी अच्छा है लेकिन आपने अच्छे से मार्केटिंग नहीं की अपना अच्छा व्यापार नहीं किया बहुत कम दामों पर अपना निकाल लिया लेकिन मैंने ये सब बात को ना सोचते हुए मैंने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट्स जो भी मैंने अपना एक स्टार्टअप किया लोगों को पसंद आया और मैं बहुत खुश थी कि मेरा प्रोडक्ट्स तुरंत में सेल हो गया और लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की नेक्स्ट ईयर 2020 में तो ये अच्छा था निकला फिर मैं उसके बाद में उसी क्रम में मैं फिर आगे बढ़ी और प्रोडक्ट्स में बनाना शुरू किया कैंडल्स में ही मैंने वेराइटीज लेके आई फ्रेगनेंस वाला कैंडल्स लाया जो कैंडल्स मैं बनाती थी उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वो वेजिटेबल का बना होता है लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर फिर से मैं स्टार्ट किया उसके दिवाली के बाद ही मैं उसमें लग गई अपना रिसर्च वगैरह किया तो नेक्स्ट ईयर मैं फिर लगभग लग लग एक लाख रुपए लगा के मैं अपना प्रोडक्ट्स फिर से लेके आई बनाया और आप विश्वास नहीं करेंगे जो कस्टमर्स लास्ट ईयर हमसे लेके गए थे उन्होंने फिर से मेरा स्टॉल ढूंढ के मेरे प्रोडक्ट्स आके लिए और बहुत सराहा जो रिपीटेड प्रोड कस्टमर्स थे उन्होंने कहा कि आप अपना इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं जो पॉल्यूशन फ्री भी है तो आप अपना अगर एक दिवाली की दिवाली अगर आप ये स्टॉल लगाइएगा तो फिर हम बाकी टाइम में कैसे ले पाएंगे चाहे जो और भी आपका हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट्स है वो हम कैसे ले पाएंगे तो साल जो मैंने अपना प्रोडक्ट्स लगाया सेल किया और उससे जो कलेक्शन आए एक लाख लगा कर मैंने किया उसके बाद जो कलेक्शंस मेरे जो प्रॉफिट हुआ उसके उसमें मैंने अपने हस्बैंड से और फैमिली से सपोर्ट लेके और हस्बैंड को बोला कि बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको प्रोडक्ट्स हमेशा मिले इसके लिए हमें एक आउटलेट अपना करना पड़ेगा एक रिटेल आउटलेट हम लोग का हो तो सही रहेगा हम लोगों ने कंकरबाग में अपना एक आउटलेट लिया इसी क्रम में मैंने बीच में पहले से स्केचिंग वगैरह पेंटिंग में, में मेरी रुचि रही थी मैंने उपेंद्र महारथी अनुसंधान संस्थान में मैंने एडमिशन लिया सिक्स मंथ का कोर्स वहाँ पे किया मधुबनी पेंटिंग का डी की तरफ से हम लोग को हमेशा जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको फ्री स्टॉल्स मिलते हैं डी के थ्रू से फर्स्ट स्टॉल मुझे 2022 की दिसंबर में मिला लेकिन उसके पहले जब 2022 का दिवाली था उसमें मैंने जो 2021 में मैंने बल लगा के जो अपना किया अपना प्रोडक्ट्स बनाया 2022 में हम लोगों ने सोचा कि उसको और एक्स्ट्रा करना है इसके लिए मैंने बिहार सरकार द्वारा जो महिला उद्यमी योजना होते हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है महिला उद्यमी को पैसा देकर मैंने उसमें अप्लाई किया और अपना ब्रांड एज ए रजिस्टर्ड किया प्रोपराइटरशिप में रजिस्टर्ड किया लेकिन किसी कारणवश उद्यमी महिला योजना जो था उसमें उसमें मेरा नहीं हो पाया जो सपोर्ट मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट के तरफ से मिलेगा मुझे ताकि मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा पाऊँ वो नहीं मिल पाया मुझे लेकिन फिर भी मैं अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी उस टाइम से पीछे जाना संभव नहीं था तो मैंने अब सोचा कि अब इसके बाद क्या करें उसके उस टाइम मैंने बहुत हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए एक तरफ से तो एक टाइम तो लगा कि नहीं छोड़ देते हैं आगे अगर कैसे कर पाएंगे अगर कोविड के बाद में अगर किसी चीज को बड़े पैमाने पर करना है तो पैसे कहाँ से आएंगे फाइनेंस हम लोगों को कौन देगा गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं हो पाया उस टाइम में मेरे हस, हस्बैंड के फ्रेंड अवधीश जी ने और उनकी वाइफ अभिरुचि ये लोग मेरे हस्बैंड और अविनेश दोनों ने मिल के क्राफ्टेज के लिए मुझे पैसे दिए और इसको मैंने और बड़े पैमाने पे स्टार्ट किया उस टाइम गवर्नमेंट सपोर्ट अशोक सर के सपोर्ट से अवनीश जी के सपोर्ट से मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से सबने इतना सपोर्ट किया मैं आगे बढ़ी टीम के लिए मैंने कुछ ट्रेंड और अनट्रेंड आर्टिस्ट को मैंने जोड़ना स्टार्ट किया कुछ आर्टिजंस को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ आए और काम करें सबने हेल्प किया और लकीली 2022 में मुझे जो मैं बड़े पैमाने पे करना चाहती थी मुझे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए और एस बी के तरफ से जो रीजनल ऑफिस है उसकी तरफ से मुझे दिवाली के टाइम में गिफ्ट हेम्पर के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर मिला और मैंने हम लोगों की टीम ने वो पूरा किया और भी जगह से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए हम लोग के पास में लोग आए सारा हम लोगों ने किया और उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को एक टीम की भी जरूरत थी आर्टिस्ट ग्रुप अलग है मैन्युफैक्चरिंग का टीम तो अलग है लेकिन उसके साथ में हमें जो मार्केटिंग टीम हुआ या फिर जो टेक्नीशियन टीम हुआ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे करने की ज़रूरत था तो उसके लिए हम लोगों की टीम बनी मैं दोनों टीमों में थी एक टीम में, में मेरे हस्बैंड अवनीश जी और उनकी वाइफ अभिरुचि थी और तो दूसरी टीम में सारे आर्टिस्ट लोग थे सब ने अपना अपना काम मार्केटिंग के लिए देखना शुरू किया अशोक सर जो थे उन्होंने जैसा बताया था उनके गाइडेंस के अंदर हम लोगों ने उमसास में सप्लाई देना शुरू किया उमसास बोले तो उपेंद्र महारथी अनुसंधान शिल्प अनुसंधान संस्थान उसमें हम लोगों ने धीरे धीरे सप्लाई देना स्टार्ट किया उस सप्लाई के कारण आज हमारे प्रोडक्ट्स बिहार के खादी मॉल बिहार के बहुत जगह आउटलेट गवर्नमेंट आउटलेट्स में हैं खादी मॉल में म्यूजियम में यहाँ तक कि दिल्ली के एम्पोरियम में भी हम लोगों का प्रोडक्ट्स अब जाता है वहाँ पे भी आ, और भी मार्केटिंग हम लोग अब कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होता है हम लोग वेबसाइट के थ्रू या फिर और भी जो ई कॉमर्स साइट्स है उस पर भी हम लोगों ने रजिस्टर किया हमारी टीम ने रजिस्टर किया और ये आगे बढ़ रहा है जो दिवाली का दिवाली के टाइम में जो मैंने बताया एस का था उसमें लगभग हम लोगों ने ट्वेंटी लाख का सेल किया था दिवाली और एस को मिला के अब इस साल का तो ये 2022 दिवाली में ये था लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब दो हजार में हम लोगों का इससे बढ़ के है कि हम और कर सकें हम लोग का सालाना टर्नओवर ओवर ट्वेंटी टू थर्टी लाख का है और ये आगे भी बढ़ते रहेगा और साथ में महिला आर्टिस्ट लोगों को भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपना काम करते रहिए गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारा योजना वगैरह है वो आप उसकी हेल्प से आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं थैंक यू थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है एक सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करती रहू